बेटा उठो, बेटा उठो, मुझे दही ला के दो, मुझे कोरमा बनाना है। अभी मैं नहीं उठ रहा, मैं सो रहा हूँ यार। अच्छा बेटा उठो, आप इंस्टा पे लाइव अपने फैंस को हाय करो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने सोचा कि आज इंस्टा पे लाइव आया जाए सो के उठते ही, ताकि आप लोगों को पता चले मेरी आवाज़ कैसी लगती है, मैं कैसा लगता हूँ। तो गाइस, नई वीडियोस जल्द अज जल्द आने वाली हैं, स्टे कनेक्टेड। फैसल इकबाल ऑफिशियल को आप लोग फॉलो करें, ठीक है जी, बाय। क्या कर रही हैं यार, ये हुलिया देख रही हैं आप? मैं आप लाइव आ गई यार, फैंस के सामने हमेशा तैयार होकर आता हूँ मैं। जा दही ला के दो मुझे, और आइंदा से ना, और अब तुम नहीं उठे तो मैं इंस्टा पे लाइव आ जाऊंगी। यार ये कैमरा ना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और इस वीडियो में ना कैमरे से रिलेटेड बहुत सारी सिचुएशन देखेंगे आप लोग। और ये वीडियो जो है स्पॉन्सर की है रैपिड पिल्स ने, तो जाइए वीडियो देखें, मैं दही लेके आता हूँ। यार तो जो बोलता है वही कुंडी खोलता है ना, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ऐसा बोलना नहीं उसको, और अगर बोलना ही था तो मेरे जैसा कोई हाजिर जवाब बंदा अपने साथ ले जाते ना। मोहल्ले में मानते हैं मुझे लड़के, मेरे आगे किसी की चलती नहीं है। कॉन्फिडेंट भी हूँ, हाजिर जवाब भी हूँ। चल ठीक है, आइंदा मसला हो तो ले जाना मुझे। हाँ जानी। वाह भाई, पीले स्कूल के शाहरुख खान, ब्लैक टी शर्ट, चश्मा, हो गई कॉमेडी। यार तुमसे ना एक वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, क्योंकि तुम तो बड़े चैंपियन हो और बड़े हाजिर दिमाग भी हो और कॉन्फिडेंट भी बहुत हो। हाँ बना दूंगा, क्या बोलना क्या है? यार तुमने मैसेज ये देना है कि मैं एक आम शहरी हूँ, और मेरा गवर्नमेंट को मैसेज ये है कि जो लोग कारोबार खोल रहे हैं और SOPs को फॉलो कर रहे हैं उनका कारोबार खोले रखें। और यार एक मैसेज और दे देना आवाम के लिए, यार इस कोरोना में जो है ना सबको वैक्सीनेशन कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा मुल्क भी जो है ना कोरोना फ्री हो सके, ठीक है? स्टार्ट। आम शहरी से ना? हाँ आम शहरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक आम शहरी हूँ। गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट को मेरा एक मैसेज है कि जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे उनका कारोबार खोल दें। जो लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं उनका कारोबार खुला रहे? नहीं नहीं, हाँ फॉलो कर रहे हैं ना उनका कारोबार खोल दें। क्या हुआ, हो गया सारा कॉन्फिडेंस तेल? कहाँ गए सारे हाजिर जवाब? बड़े चैंपियन बनने फिरते हो यार, अपने मुँह से अपनी तारीफें करवा लो बस। जी बातों से डर नहीं लगता साहब, कैमरे से लगता है। आम ले लो 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। आम 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। आम ले लो 100 रुपए किलो। आओ, हो गई शाम, गिर गए दाम, हो गई शाम, गिर गए दाम। हाँ भाईजान, क्या हिसाब बेच रहे हैं हम? 100 रुपए किलो। अभी तो आप 150 की आवाज़ लगा रहे थे। भाई हमने तो कभी जिंदगी में 150 बेचा ही नहीं है, हम 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। 100 रुपए बेच रहे हैं, पक्की बात है? 150 तो नहीं है, 100 रुपए। चलो ठीक है, सोशल मीडिया पे लाइव थे आप, 100 रुपए ही बेचना, ठीक है? चलो ओके। 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। आम 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। अच्छा हुआ अबू आप आ गए, वो जरा मेरी एक दो तस्वीरें ले लीजिएगा प्लीज। दिखाए। ये क्या अबू, आपने सारी सेल्फी ले ली, आपकी पिक्चर्स आ रही हैं इसमें, भाई बैक कैमरा तो कर लेते। अरे भाई हमसे ये मोबाइल वोबाइल नहीं चलता, हम तो तुम्हारे लिए मेडिकल से रैपिड पिल्स लेने गए थे, तुम यहाँ पिक्चर्स में लगे हुए हो। तुम्हारा तो थ्रोट प्रॉब्लम था, कोरोना चल रहा है ख्याल करो थोड़ा सा, इसे तुम्हें फौरन आराम आ जाएगा। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी होंगे, जो दिल करे वो खा लेना। और हाँ कुछ नहीं, अभी खाओ उसको। अच्छा तो आप अकेले ही आ गए रिश्ते के लिए, वालदेन को साथ नहीं लाए, और ये मुंह क्यों छुपा रखा है भाई? नहीं नहीं अंकल, बस वो कोरोना का दौर है तो मैंने कहा सेफ्टी ज़रूरी है। अच्छा रिश्ते के लिए कुछ सवाल आपसे करूँगा, इंटरव्यू समझिएगा इसको, अगर उसमें पास हो जाते हैं तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है? ये बताइए कितना कमा लेते हैं आप? मैं किसी महीने तो 80,000 भी कमा लेता हूँ, किसी महीने 80 रुपये भी नहीं कमाता। अच्छा इसका मतलब आप कारोबार करते हैं? जी जी यही समझ लीजिए आप। और आपकी रिहाइश अपनी है? जी अपनी है। यकीनन वालिदे ग्रामी की ही होगी, क्योंकि आपने तो कुछ बनाया नहीं होगा। एज कितनी है आपकी? मेरी 29।
चलें सवालात तो हो गए हैं, बाकी आपका एक टेस्ट लेना बाकी है, उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो रिश्ता यकीनन पक्का। जी बिल्कुल लीजिए। इसी बात का डर था मुझे, तुम एक टिकटॉकर निकले। मैं अपनी बेटी को कुवारा बिठाना पसंद करूंगा, लेकिन टिकटॉकर से कभी शादी नहीं करूंगा। दफा हो जाओ यहां से। Thank you.